जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भौसा। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने कहा है कि मैं सोफ़ा क्लीनिंग की ट्रेनिंग नहीं दूंगा, सोफ़ा सेट क्लीनिंग की ट्रेनिंग नहीं दूंगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, मतलब उसमें से एक रास्ता निकाला जा सकता है। तो अभी आपने ये जो दो वीडियोज़ मेरी पहले देखी है ना, सोफ़ा सेट ड्राई क्लीनिंग करने के लिए, वो बहुत बड़े बड़े सोफ़े थे। आप हिसाब भी लगा लीजिए, अभी 6 पिलो के मैंने 600 रुपये लिए, कम से कम 100 रुपये पिलो लिया है मैंने, तो 150 रुपये पिलो कवर पिलो के भी ले सकते हैं आप। और जो चेयर है ना, उसकी भी 100 रुपये चेयर ही लिए मैंने, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, 150 रुपये चेयर भी ले सकते हैं, 120 रुपये चेयर भी ले सकते हो। तो 8 चेयर और 6 पिलो 1400 रुपये हो गए, 1400 हो गए। उसके बाद में तीन तीन सीट्स के 3 सोफ़ा सेट थे, मतलब उनके 1800 रुपये हो गए, 200 रुपये आप पर सीट मान के चलो तो ये 1800 और 1400 मतलब हो गए 3200 रुपीज़ मुझे कैश में मिला। तो क्या मैं इसकी ट्रेनिंग दूंगा या नहीं दूंगा? तो मेरा एक आंसर है कि मैं नहीं दूंगा सोफ़ा सेट क्लीनिंग की ट्रेनिंग। हाँ, बट मैं एक काम कर सकता हूँ। अभी ये जो मैंने सोफ़ा क्लीनिंग किया ना, इतना सारा काम था तो मैं 2-4 घंटे में मैं अकेला कर पाऊँगा, इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने मेरे 3 ट्रेनिंग सब्सक्राइबर को मैंने बुलाया, 2 थे नासिक के और 1 सब्सक्राइबर थे सूरत के। उनको जब मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा ना, तो उनकी मैं वीडियो आफ्टर ट्रेनिंग फीडबैक की वीडियो अलग से बनाऊँगा। बट मैंने 3 लोगों को बुलाया था कि मेरे पास सोफ़ा आया है ड्राई क्लीनिंग के लिए, क्या आप आ सकते हो? मैंने सोचा कि 3 में से 1 तो आ जाएगा, हेल्प हो जाएगी। बट तीनों के तीनों तैयार थे और तीनों के तीनों आ गए। नासिक से एक बंदा आया, हमारा एक सब्सक्राइबर फ्रेंड, जो बाइक से आए, बहुत ज़्यादा बारिश थी फिर भी वो आए। एक नासिक से और दूसरे एक सब्सक्राइबर थे, वो कार से आए अपनी ट्रेनिंग के लिए, 1 दिन का ट्रेनिंग के लिए वो कार से आए। उसके बाद में सूरत के एक सब्सक्राइबर थे, वो भी बाइक से आए और भरी बारिश में ये तीनों लोग आए। उनका पैशन देख के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि उनको तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी ही है। उनको अभी दिवाली के आसपास में उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बुलाऊंगा, वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, वो ऑफ लॉज में रहेंगे, मेस में खाना बिना खाने जाएंगे। बट वो सोफ़ा क्लीनिंग के लिए मैंने उनको सुबह बुलाया, 9 बजे तक यहाँ पे आ गए, 9-10 बजे तक, और दोपहर के शाम के मैंने उनको 5-6 बजे मैंने उनको रिलीव कर दिया, मतलब छोड़ दिया। फिर वो 1 दिन के लिए आए थे सिर्फ सोफ़ा क्लीनिंग सीखने के लिए, और बाकी बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस उनकी तो आगे होने ही वाली है। तो मैंने सोचा कि इसमें और क्या किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सोफ़ा क्लीनिंग की ट्रेनिंग दीजिए, कितने बजट में आपने शुरू किया, कहाँ से आपने सीखा? तो ये काम तो मैंने वो जो सीखा सीखने वाली बात है ना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है ना, तो मैं अगर अभी देखो आप मुझे 1 मिनट। तो दोस्तों, ये जो मैं बिल देता हूँ ना, मेरा ये जो बिल देता हूँ ना, तो इसमें मैंने पूरा लिख के रखा है हमारी नई नई सेवा क्या है। ओके, तो इसमें मैंने अच्छे से लिख के रखा है, हर एक बिल के पीछे लिखा है, और 1-2 ने पूरे 100 बिल बुक छपवाए मैंने। उसके बाद में कारपेट, रग, गालीचा, सोफ़ा, ऑफिस चेयर, कार सीट कवर, इंटीरियर, स्कूल बैग, शूज, ट्रैवल, ब्लैंकेट, रजाई। तो अभी इसकी मैंने मार्केटिंग शुरू कर दी है, और फेसबुक पे मैंने ऐड डाल दी है। फेसबुक पे अपने मेरे ही 5000 फ्रेंड है मेरे फेसबुक पे, तो वहाँ पे भी मैंने स्टोरी लगा दी है, पोस्ट डाल दिया है। उसके बाद में बीच में जैसे जैसे मैं सोफ़ा क्लीनिंग करके जाऊँगा, हर एक सोफ़ा क्लीनिंग की वीडियो बनाऊँगा। इससे पहले भी मैंने कारपेट का काम किया है 2 जगह पे, सोफ़े का काम किया है, उसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस तरह से मैं मार्केटिंग करते जाऊंगा, और ये मार्केटिंग करते करते, और जब ट्रेनिंग के लिए अगर कोई आएगा ना मेरे पास, तो मैं देखूंगा कि नज़दीक कौन है। तो एक धुले डिस्ट्रिक्ट हो गया, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हो गया, जलगाँव डिस्ट्रिक्ट हो गया, जलगाँव थोड़ा दूर है, नासिक डिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट के जो सब्सक्राइबर फ्रेंड होंगे ना, जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आएंगे, सूरत हो गया।
तो वहाँ से मैं लोगों को बुलाऊंगा, मतलब जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए जिसकी फीस जमा होगी या फिर वो ट्रेनिंग लेके भी गया होगा ना, तो मैं उनको भी बुलाऊंगा कि आप आइए, अगर सोफा एक साथ कई क्लीनिंग करने जाना है मुझे तो एक दिन के लिए आप आ जाइए। उस तरीके का कुछ मैं कर सकता हूँ, मैंने दिमाग में ऐसा सोचा है, तो आप भी गाइड कीजिए, क्योंकि मैं कोई बहुत दूर से आ रहा है ना, तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे वो सोफे का भी ऑर्डर आ जाएगा, इसीलिए मैं कमिटमेंट कोई भी नहीं करता हूँ, बट नज़दीक के लोगों के लिए कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास सोफे की कोई ऑर्डर आई तो मैं उसको होल्ड पे रख सकता हूँ, कि समझो मेरे पास कोई ट्रेनिंग के लिए आया तो मैं उसको ये बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग दूंगा ही, बट एक दिन हो सकता है, होगा ऐसा नहीं है, बट मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं किसी सोफ़ा क्लीनिंग करने जाना है उसको मैंने होल्ड पे रख लिया ऑर्डर को, कोई भी बहाना बना के, तो जब यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आएंगे 2 लोग 4 लोग तो उनको ले जा सकता हूँ, सोफ़ा क्लीनिंग का एक दिन का ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ ये, मैंने कभी भी वैक्यूम क्लीनर नहीं देखा था, कभी उसको हैंडल नहीं किया था, उसके बाद में कभी भी मैंने ये काम देखा भी नहीं था, बट मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, और बेसिक बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस का नॉलेज अगर होना तो पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है। आपको केमिकल का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस का नॉलेज अगर आपको होना तो सब कुछ पॉसिबल है। तो बस मैं ये ट्रेनिंग तो दूंगा ही, साथ में उनको गाइड भी करूंगा, किसी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं भी दे पाया ना मैं, तो इसी तरह से गाइड करूंगा कि वो जाके सोफा क्लीनिंग करेगा, और बहुत लोगों ने किया है, मैं उनकी वीडियो भी लाऊंगा। मुकेश कुमार रजक जी है जो इन्होंने किया है गंगानगर राजस्थान के, वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं डेडिकेटेड वीडियो उसकी बनाऊंगा। मैं ट्रेनिंग ना देते हुए भी वो काम कर रहे हैं अच्छे से, सिर्फ थोड़ा बहुत गाइड ही किया है मैंने। तो बस दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें, अगर ट्रेनिंग के लिए आना है ना तो मेरी कम से कम 200 वीडियोज़ देखिए, और यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, इस पर मुझे सिर्फ SMS करना है आपको। तो बस और क्या कर सकते हैं, और कुछ ओपिनियन सजेशन हो ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, काफ़ी सारे सोफ़ा क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड मशीनरीज़, उसके बाद में केमिकल्स की ऑनलाइन बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, और अपना सजेशन और ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।